हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप, आप लोगों का श्नाइडर सपोर्ट गाइड। हियर यू कैन आस्क श्नाइडर प्रोडक्ट क्वेश्चंस आइदर फ्रॉम पीएलसी, आइदर फ्रॉम एचएमआई, आइदर फ्रॉम स्कैडा और वीएफटी एज वेल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जीनी, सुपर जीनी बनाना सीखा था, उसको कैसे पॉपअप वगैरह यूज़ करते हैं। और पीछे कई वीडियोस में कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि पीएलसी स्काडा का कम्युनिकेशन करके देखना चाहते हैं कि कैसे कराया जाता है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं शुरुआत में थोड़ा सा ट्रेंड है, हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अलार्म कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद हम एक पीएलसी और स्काडा कम्युनिकेशन कैसे सेटअप करते हैं, उसका एक सिमुलेशन मोड में बैकअप रेडी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें अलार्म्स कैसे बनाने। तो हमारा ये प्रोजेक्ट चल ही रहा था जैसा सबको पता ही है। इसके बाद हमारे पास एक सिस्टम मॉडल का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास अलार्म्स का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ऊपर सिस्टम मॉडल में। यहाँ पे हमारे कई सारे ऑप्शन आते हैं, डिजिटल अलार्म, टाइम स्टैम्प अलार्म, एनालॉग अलार्म, एडवांस अलार्म, मल्टी डिजिटल अलार्म, डिफरेंट टाइप ऑफ अलार्म्स हैं। डिजिटल अलार्म जो हमारे 10 में काम करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। एक टाइम स्टैम्पिंग अलार्म है जो हमें टाइम स्टैम्प के साथ हमें अलार्म चाहिए होते हैं। एक एनालॉग अलार्म्स हैं जो हमारी, जैसे हमने कोई टैग डाला, एनालॉग टैग डाल दिया, उसी में हम इसके रेंज, हम एक सेट पॉइंट डाल दिया, फिर उसको हमें लो हाई वेरी हाई किस टाइप के उसके अलार्म सेट कराने हैं, अलग अलग से हम यहीं पे उसके सेट पॉइंट डाल देंगे, उसके हिसाब से वो अलार्म अपने आप करता रहेगा। अदरवाइज हमें 4 डिजिटल टैग बनाने पड़ेंगे, हाई हाई हाई, लो लो लो, और यहाँ पर अगर हम सेट पॉइंट सेट कर देते हैं तो अपने आप ही अलार्म वो डिस्प्ले करता रहेगा। तो आप सिंगल टैग से 4 अलार्म का यूज़ कर पाएंगे। तो हमें अभी डिजिटल अलार्म को पहले डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल टैग का एक कोई टैग इसको कॉपी कर लेते हैं कि जब ये प्रेस हो हम उसे अलार्म मान लेते हैं। अलार्म टैग में मैंने एक नेम दे दिया, अलार्म नेम भी वही डाल दिया। आप चाहे डिस्क्रिप्शन कुछ और डालना चाहते हैं डाल सकते हैं अपने हिसाब से। क्लस्टर नेम, कैटेगरी, ये कैटेगरी ये होती है कि हमें अलार्म में डिफरेंशिएट करना हो कि कोई कौन सी प्रायोरिटी वाइज हमारे अलार्म होते हैं। कोई हाई प्रायोरिटी होती है, कोई लो प्रायोरिटी होती है, कोई ये है कि तुरंत हमें पता चलना ही चाहिए, वो जो होता है ठीक है यार आ गया आगे गया कुछ, तो कैटेगरी वाइज होती है, उसको हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं अलार्म कैटेगरीज में। अभी फ़िलहाल हम 1 डाल के अलार्म डिस्क्रिप्शन आपको करना है तो आप या जो भी ट्रिप हो रहा हो या जो ऐसा भी है, कुछ डिले के बाद आपके पास ये अलार्म आना चाहिए तो आप डिले भी डाल सकते हैं। वेरिएबल टैग हमारे इस वेरिएबल के बेस पे हम कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं सेम ही नाम रखता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने अलार्म्स डिफरेंट बना ही सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स में एक ट्रेंड्स बना लेते हैं। ट्रेंड का भी मैं एक टैग कॉपी कर लेता हूँ, कर लेते हैं इसमें 3 टाइप के होते हैं। इवेंट बेस्ड होता है कि वो एक कोई इवेंट आएगा उसी समय होगा ट्रिगर,
एक पीरियोडिक बेस की एक टाइमी बेस पे होगा, हम पीरियोडिक और इवेंट वाला लेंगे तो ये दोनों पे ही करेगा। पीरियोडिक तो हो गई और इवेंट आएगा तब भी ट्रिगर करेगा, तो आप इसे पीरियोडिक ले लो। एक्सप्रेशन में आप अपना टैग डाल सकते हैं, सैंपल टाइम कितने कितने देर बाद हमें वो डाटा उठाना है। लाइकवाइज हम हर एक सेकंड में डाटा उठाना चाहते हैं वो हम डाल देंगे। स्टोरेज टाइप हम इसे फ्लोट में करना चाहते हैं कि स्केल्ड में करना चाहते हैं 8 बाइट सैंपल में, तो हम 8 बाइट सैंपल में ले लेते हैं अभी। अब इसे डिस्प्ले कैसे करेंगे, हम सीधा डिस्प्ले पेज पे आएंगे और P1 पेज पे आएंगे। यहाँ पे हमने P2 पे भी कुछ नहीं बनाया, तो अगर मैं चाहूँ तो अलार्म पेज का तो मेरे पास ऑलरेडी बना है, मैं केवल टेम्पलेट पे जाऊंगा, इसमें अलार्म का पेज बाई डिफॉल्ट बना हुआ है, जो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने सीधा यही अलार्म का पेज का नाम कॉपी किया, और उसी के बाद मैं एक ट्रेंड पेज भी कर लेता हूँ। या तो ट्रेंड पेज में आपको बना के दिखा देता हूँ P3, ठीक है, इसको सेव ही कर देता हूँ। वैसे आप डायरेक्ट वहां से भी ले सकते हैं, अदरवाइज एक जगह से ले सकते हैं। सीधा P3 का पेज ओपन करेंगे और हम वहां पे इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। हम P3 ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपको एक इस टूल बार में एक ये ऑप्शन मिल रहा होगा प्रोसेस एनालिस्ट का, मतलब एक मैंने आपको दिखा दिया वहाँ मिलता है और यहाँ पे भी हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इसे ओके करेंगे और इसको अपने हिसाब से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक, अब आप चाहें कि वो टैग आप डायरेक्टली यहाँ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप अपना ऐड पेन करेंगे। ऐड पेन में आने के बाद आप ऐड पेन करेंगे, एनालॉग टाइप का है या डिजिटल टाइप का, अलार्म टाइप का, जो भी लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। पर यहाँ पे आके आप उसका डायरेक्टली टैग डाल देंगे, कनेक्शन में आके आप उसका जो टैग का नाम है वो आप यहाँ डाल देंगे। तो आपका रिक्वेस्ट मोड एवरेज न्यूएस्ट मिनिमम कैसा करके ट्रेंड दिखाना है वो आप यहाँ डाल के कर देंगे, तो आपका जब भी पेज ओपन होगा वो टैग आपको यहाँ दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल मैं ऑनलाइन टैग पे काम करूंगा, इसको तो मैं कंपाइल कर लेता हूँ। मैं इसका डाटा रन करा लेता हूँ। अभी मैंने आपको इसमें केवल अलार्म वाला पेज ऐड कराया है। कई बार ये होती है कि मेरे को अलार्म समरी चाहिए, तो इसमें आपके समरी का भी एक पेज है, आप वो डाल देंगे तो जैसे अलार्म की हिस्ट्री बन जाती है। अभी तो ये करंट अलार्म आया, आपने एक्नॉलेज कर दिया, चला गया वाला सिनेरियो रहेगा। बट जैसे ही आप अलार्म समरी वाला पेज ऐसे ही आप ऐड करा देंगे तो आप उसमें आपकी अलार्म हिस्ट्री भी आएगी, और टाइम टू टाइम कि कब कितना कैसे ऑन ऑफ होना है, हुआ था किस टाइम पे हुआ था, वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर 10 बार भी हुआ है तो 10 बार आपको दिखाएगा।
ये मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का ही मैंने बनाया है वहाँ पे ट्रेंड। मोटर को स्टार्ट स्टॉप वाली बिटे बनाई है। तो अब अलार्म अगर देखना चाहेंगे तो पहले इसको मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा E2 पे। ऐसे करते हैं, अलार्म्स में ये आया पेज, मोटर अभी ऑफ स्टेट है, ठीक है। ऑन स्टेट आ गया। अब इसमें हिस्टोरिकल अलार्म्स आएंगे, तो देखिए कब कब क्या क्या हुआ, अलार्म रेज हुआ, क्लियर हुआ है, ये हुआ, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट इसमें अलार्म्स आते रहे, ठीक है। और इसी में अब मैं बात करता हूँ ट्रेंड्स में, तो ट्रेंड का पेज ही आया। मैं को इसके प्रोसेस देखनी है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टैग करता हूँ, सर्च किया तो जो टैग होगा सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। आप एक टैग सेलेक्ट कर लेंगे, एनालॉग टाइप का ये क्या है टैग, आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, टैग डालना है, ऑटो डालना है, कमेंट डालना है, जो भी डालना है। अब वो करके जो टैग करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ऐड आ गया और ओके। अब आप यहाँ पे देख पाओगे इसकी रेंज, मैं कर देता हूँ 0 to 100, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वैल्यू ऐसे करके आ रही थी। यस, ये रेंज में थोड़ा 10 कर देता हूँ, तो आपको शायद थोड़ा और बढ़िया दिखेगा। देखिए जाया P1 में आके मैंने इसकी वैल्यू 7 करी, फिर 1 कर दी, 4 कर दी, 3 कर दी, वापस 8 कर दी, फिर 1 करी, 3 करी, 5 करी, 9 करी, वापस। अगर आपने पहले ऑफलाइन में उसे ऐड कराया होता तो आपको यहाँ पे बना बनाया मिलता, यहाँ पे अब हमें करना पड़ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको मैंने किया, इसकी रेंज, ये भी पेज हम कर सकते हैं ऑनलाइन में भी, इसको सेट करेंगे तो भी अपने पास वैल्यू आ जाती है। इसके कई स्क्रिप्टिंग कोड वगैरह है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब आप यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे, देखिए 3 आया था, 3 क्योंकि एवरेज वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है। इतनी देर 6 चला, 6 चला, इसको भी आप उठा के यहाँ डाल दो, जो भी आपकी वैल्यू आती है उसका होगा। ये वैल्यू जो आ रही है एवरेज हो के आ रही है पर सेकंड के हिसाब से, इसलिए आपको डेसिमल में दिख रहा है, जबकि हमने इंटीजर में इसको सारा वैल्यू डाला हुआ था। जब आप यहाँ पे करते हैं, देखिए ये इसका पूरा बात कहाँ है, कैसे करके, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। कनेक्शन आ गया है, यहाँ पे एवरेज है, अब इसे न्यूएस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम वापस से देखते हैं, ये आया तो ये 2 आ रहा है, ठीक है। हम वापस से आते हैं इसकी वैल्यू, और 7 3 1 9 3। यहाँ पे आएंगे, सर्च कर लेंगे, इसकी पूरी डिटेल दिखा रहा है। ये आप ऑफलाइन में जाके इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसके कई सारे तरीके होते हैं, आप चाहे ऑफलाइन में करें चाहे यहाँ करें, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करा सकते हैं। कि टैग को आप 2 बार लेना चाहते हो उसको आप कर सकते हो। यहाँ इसके कलर देखे डिफरेंट आ गया, और इसकी रेंज मैंने 0 से 10 डाल दी,
इसकी वैल्यू भी 0 से 20 डाल देता हूँ मैं दोनों का, एक अलग प्लेटफॉर्म में आपको दिखने लगेगा क्या किसकी रेंज आ रही है। इसको हम इधर कर देते हैं, इसको भी हम इधर कर देते हैं, दोनों के नाम अलग अलग। अब अभी मैंने वो किया था, यह है 6, ठीक है, और 6 बड़ी देर तक चलता रहा, फिर यह भी एवरेज वैल्यू आ रही है, इस वजह से ये हो रहा है। तो ये अगर आप ऑफलाइन में जाके जितनी प्रॉपर्टीज इसको सेट करना चाहते हैं, ट्रेंड में आ गए, क्वालिटी एवरेज, इसको आप मैक्सिमम करना चाहते हो मैक्सिमम वाला आएगा, न्यूएस्ट करना चाहते हो तो आ जाएगा, रिक्वेस्ट मोड हो गया। ये आपका सारी वैल्यू ऐसे आपसे आती रहेंगे। तो ये अलार्म और ट्रेंड का आपका हो गया। इसके बाद हम आते हैं पीएलसी का और स्काडा का कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। मैंने वैसे आपको कैसे इसकी सेटिंग बनाई जाती है वो आपको बताई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसके फॉन्ट आते हैं कि हमें कौन सा, देखिए जैसे अलार्म आने का नॉलेज रहे तो किस फॉन्ट में आना चाहिए, क्या साइज रहेगा, डिसेबल रहेगा या एक्नॉलेज ऑन रहेगा, सेट रहेगा, तो फॉन्ट हम यहाँ से डाल सकते हैं। मतलब कभी कोई बोलता है ना अलार्म मेरा आया अगर ऑन है तो इस कलर में आए, या छोटा हो जाए फिर मेरा ऑन है तो इट वुड बी लाइक इन रेड कलर, अगर इन ऑफ देन विदाउट एक्नॉलेज देन ब्लिंकिंग इन रेड, एंड इफ इज ऑफ एंड एक्नॉलेज देन कलर इज ग्रीन। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं वाई यूजिंग दिस फॉन्ट। एंड जो मैंने पैरामीटर्स और कैटेगरीज के बताई थी वो कैटेगरीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और जो फॉन्ट में नेमिंग आ रहा था अन एक्नोलेज ऑन फॉन्ट 0123H, वो आप यहाँ से डिफाइन करते हैं अलार्म किस फॉर्मेट में आएगा, डेट टाइम टैग, वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। समरी फॉर्मेट कहाँ आएगा वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पीएलसी वाले पार्ट पे। उसके लिए मैंने एक बैकअप आपके लिए बनाया हुआ है, इसे मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। ये बैकअप है पीएलसी TM221 इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर हम इसका यूज़ करते हैं। तो वो जब तक सॉफ्टवेयर ओपन होता है, सॉफ्टवेयर ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो फॉर द टाइम बिंग हम अपना स्काडा का पार्ट कवर अप कर लेते हैं, कैसे हमें सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम आके आईओ डिवाइस में आएंगे, आईओ डिवाइस में आके हम एक न्यू आईओ डिवाइस बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ सेमी सर्वर एग्जिस्टिंग में बनाना है न्यू आई डिवाइस, मैं इसका नाम M221 रख देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। एक्सटर्नल आई डिवाइस उसे ले लेते हैं यहाँ पे मैं अभी MC40 का ड्राइवर ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये सिमुलेशन की आई पी 127.0.0.1 होती है, तो इसका पोर्ट नंबर अगर आप मॉडबस TCP/IP में कभी भी बात करेंगे तो 502 ही होता है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आईपी एड्रेस डाल दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। अब ये देखिए आप मेरे पास एक नया नाम और सारी चीज़ें यहाँ पे बन के आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे अपना एक टैग डिफाइन करूँगा, वो टैग मेरा कैसे डिफाइन होगा, वो टैग मेरा डिफाइन होगा ऑन द पीएलसी बेसिस। तो मैं देख लेता हूँ
मैंने एक इसमें बैकअप बना रखा है, इसमें मैंने सेटिंग क्या करी है, बस इंटरनेट में आके मैंने अपनी एक कोई सी भी आईपी डाल दी है, क्योंकि सिमुलेशन मोड में चलेगा तो 127 वाली ही आईपी इसमें आएगी। तो यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे एक लॉजिक बनाया कि M0 वाली बिट है वो स्टार्ट कमांड है, तो मैं पहले एक M0 का बटन बना लेता हूँ अपने में, यानी स्टार्ट कमांड नाम से मैं कर लेता हूँ। क्लस्टर मेरा वन ही है, आई ओ डिवाइस मेरी M221 है, ये मेरा डिजिटल टाइप है, डिजिटल टाइप टैग हो गया, इसका एड्रेस है मेरा %M0। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है M00। हम मैंने क्या किया है, एक हम बटन प्रेस करते हैं उससे एक टाइमर ऑन होता है, टाइमर की हम वैल्यू सेट कर सकते हैं फ्रॉम द स्काडा एंड उसका इलेप्स टाइम कितना टाइम बाकी है, और मोटर रन M2 की एक बिट है जो मैंने बनाई है वो मोटर रन का है, जब मोटर रन होगा तब मेरा उसमें एक वैल्यू फ्लो मतलब एक मोटर आया तो वहाँ से कुछ पानी फ्लो हो रहा है या कुछ हो रहा है वैसा एक हो गया, तो वो जैसे ही मेरा टाइमर कंप्लीट होगा तो वो M2 रन की बिट आ जाएगी, मतलब मेरा मोटर रन हो गया और उसके बाद मेरा एक फ्लो की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले मैं एक मोटर रन का फीडबैक बना लेता हूँ, मोटर रन क्लस्टर, ये भी डिजिटल है M2 नाम से है, दोनों को मैं सेव करा लेता हूँ। प्लस मेरे पास एक टाइमर की वैल्यू आती है टाइम सेट पॉइंट टाइम ET, क्लस्टर दोनों में डाटा टाइप सेम ही है, मैंने यहीं से सिलेक्ट कर दिया, मैं को ज़्यादा इसमें M00 डाल दिया, M00 ठीक है। फिर एक फ्लो की वैल्यू मैं बना लेता हूँ, इसको मैं सेव करा लेता हूँ यहाँ पे, फ्लो इसकी वैल्यू फ्लो टोटलाइजर, और इसके बाद मैं एक रीसेट की बिट बना लेता हूँ, मैं सारा चीज अपने पेज नंबर 4 पे बनाऊंगा, ऐसी पेज में पेज 3 पे बनाता हूँ। मैं पहले एक मोटर ले लेता हूँ, वो भी मैं P1 वाले पेज से ही कॉपी कर लूँगा अपना, यहाँ पर मुझे सबसे पहले टैग डालना है स्टार्ट कमांड का, जब मैं डालूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा और जब मैं इस वाले को करूंगा तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मेरी वैल्यू है यहाँ पे सेट पॉइंट, टाइमर का सेट पॉइंट मुझे डालना है,
और मैंने यहाँ डाल दिया डिस्प्ले कराने के लिए, यहाँ डाल दिया। मैं इसी के लिए एब्स्ट्रैक्ट कॉपी कर लेता हूँ ईटी, और इसमें मुझे इसकी एंट्री नहीं करानी है तो मैं इसको डिलीट यहाँ से मार देता हूँ। टाइम ईटी में रहेगा मेरा, ठीक है, ये लैप्स टाइम मेरे को होता हुआ दिखेगा। फिर इसी के साथ मेरा फ्लो की वैल्यू मेरे को दिखानी है, फ्लो हो गया। इसी के साथ मैं एक रीसेट का बटन बनाने वाला हूँ, सेट कर दिया। अब आप ये देख पाएंगे मैं पीएलसी के साथ करा दिया, और इसको मैं यहां से कंपाइल कर लेता हूं। कंपाइल करने के बाद मैं स्काडा को रन करा देता हूं। और यहाँ से पीएलसी को मैं सॉल्यूशन मोड में डाल देता हूँ। सर्वर अभी नहीं चला है, क्या दिक्कत है सर्वर को? ये पीएलसी का सिमुलेशन मोड भी चल गया है, इसको रन मोड में पहले डाल देते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, हमने फेज 3 में बनाया था। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। स्ट्रीम में आ गए, ये देखिए मेरा भी टैग कम्युनिकेट कर गया है। अब मैं पहले स्टार्ट कमांड देता हूँ। स्टार्ट कमांड मैंने दी तो क्या ये मेरी पीएलसी में आया? यस, ये कमांड आ गया। बट और मोटर रन में शायद ओके, मोटर रन का मैंने टैग इसमें नहीं डाला था, तो मैं मोटर रन का टैग ले लेता हूँ। अभी मैंने जीरो टाइमिंग डाली है, इसलिए वो एट अ मोमेंट ही ऑन हो गया था। नेक्स्ट टैग चेंज कर दिया, अब वापस से मैं पीसी को ओपन कर देता हूँ, ऑफ करता हूँ। एक टाइमिंग पड़ी हुई है वो टाइमिंग लास्ट टाइम ये दिखा रहा था सेट, ये फ्लो की वैल्यू है एक्चुअली। रीसेट करूँगा तो देखिए जीरो हो गया। ये जैसे ही रन होता है तो ये वैल्यू इसकी अपडेट होनी शुरू हो जाती है। अब ये मैं टाइम अभी देखे स्टार्ट किया, रन मोटर ऑन हो गया, स्टॉप किया ऑफ हो गया,
रीसेट किया, फ्लो की वैल्यू बंद हो गई। अब यहाँ पे मैं एक टाइमर डाल देता हूँ 10 सेकंड का, कि 10 सेकंड के बाद मोटर ऑन होनी चाहिए। मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी कमांड नहीं आई, मैंने अब कमांड दे दिया एलेप्स टाइम, ये शुरू हो गया। आप इस कार्ड में भी देख पाएंगे, देखिए ये टाइम हुआ 7, 8, 9, जैसे ही वो मोटर ऑन हो गई ये आपका शुरू हो गया। फिर जैसे ही मैं इसे रनिंग में भी स्टॉप कर दूंगा तो उससे कोई नहीं है, स्टॉप हुआ, रीसेट किया तो वो वैल्यू जीरो। मैंने जैसे ही वापस से स्टार्ट कमांड दिया, देखिए ये टाइमिंग शुरू हो गई, यानी 10 सेकंड के बाद मोटर ऑन हो गई। तो आपने देखा मैं सेट पॉइंट भी यहाँ से डाल दे रहा हूँ, जो टाइमर चल रहा है उसकी लैप्स टाइम भी। अब आप ये चाहते हो ये वैल्यू में उल्टी थी, जो डायरेक्शन में अभी बढ़ने की डायरेक्शन में, आप चाहते हो इट शो इज इन रिवर्स डायरेक्शन, ओके, तो टू द सेम टाइम सेट पॉइंट हम करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे और अप्लाई, ओके, इसको हम सेव कर देंगे, कंपाइल, मैं वापस से पेज को कर लेता हूँ। देखिए जीरो आ रहा है, स्टॉप किया, रिसेट, ये 10 आ गया। अब के अब की बार ये रिवर्स टाइमिंग चलेगी, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 आने पे हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप ये देख पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन मैंने आपको पीएलसी के साथ भी करके दिखा दिया, पीएलसी के सिमुलेशन में सिस्टम चला पा रहे हैं, जो भी आपने टैगिंग डाली हुई हर सेकंड में ये इसके रनिंग के साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्दी हम कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।